नमस्कार, मैं वैभव सोनिया, टीवी न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। राजस्थान के सीकर जिले के सुरेरा गांव में बस स्टैंड पर बालाजी हॉस्पिटल के पास में कुचामन रोड पर स्थित शिवा साड़ी सेंटर एंड पीको फॉल की दुकान में अचानक लगी आग। शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग। बालाजी हॉस्पिटल स्टाफ ने दुकानदार मुरली मनोहर को मोबाइल पर सूचना दी। दांतारामगढ़ पुलिस को ग्रामीण ने सूचना दी तो मौके पर दांतारामगढ़ पुलिस पहुंची, जगह का मौका मुआयना किया। दांतारामगढ़ पुलिस SSI मालीराम मीणा ने बताया कि लगभग 12 बजे पूरी तरह आग पर काबू किया गया। बाल्टी से पानी डालकर आग पर एक घंटे में आग पर बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। शिवा साड़ी दुकान मालिक मुरली मनोहर ने बताया दुकान में लगभग 3 से 4 लाख का सामान जलकर राख हो गया। मैं मुरली मनोहर, शिवा साड़ी सेंटर का मालिक। मेरी दुकान में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। मेरे को आसपास के लोगों द्वारा मालूम पड़ा तो मैंने आकर देखा कि मेरी मशीन है वो पूरी तरह से जल गई और मेरे वो कपड़े हैं दुकान में वो पूरे जल कर नष्ट हो गए। कितना नुकसान हो गया दुकान में? 3-4 लाख का नुकसान हो गया दुकान में। टेलीफोन सूचना मिली कि सुरेरा नवा शिवा बालाजी सेंटर में आग लगे, जिस तरह मैं चीफ जाब्ता के मौके पर आए तो शिवा बालाजी सेंटर में आग बुझा दी गई थी, जिसमें एक कपड़े जल चुके थे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें।